नोटबंदी की चर्चा दिल्ली की संसद के साथ साथ पुरानी दिल्ली की गलियों तक आज भी गूंजती हुई दिखाई देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नोटबंदी के अलावा कई अन्य कहानियां, किस्से भारत के इतिहास में दर्ज हैं जो भारतीय नोट से जुड़े हैं। इन्हें सुनकर आपको न सिर्फ हैरानी होगी बल्कि कुछ नया सुनना अच्छा भी लगेगा। आज हम आपको भारत के इतिहास में नोट की परंपरा शुरू होने से लेकर हुए विभिन्न बदलावों को बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं ऐसी 10 बातें जो भारतीय नोट से जुड़ी हैं। भारत में पहली बार नोट नाम की मुद्रा का चलन साल 1861 से शुरू हुआ था। यह मुद्रा सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य ने पेपर करेंसी एक्ट 1861 के तहत हासिल की थी। इसके बाद पूरे भारत में एक ही मुद्रा चलाने पर ब्रिटिश शासन का अधिकार हो गया था। इससे पहले राजा महाराजा भी अपनी मुद्रा चलाते थे। सबसे पहले नोट विक्टोरिया सीरीज के शुरू किए गए थे। इनमें 10, 20, 50, 100 और 1000 के नोट बनाए गए। इस सीरीज के नोट में 2 भाषाएं प्रयोग की गई थी। 5 रुपए के नोट को आम लोगों की डिमांड के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने जारी किया था। यह नोट अंडर प्रिंट सीरीज में शुरू किया गया था, जिसमें किसी भी शख्स की तस्वीर छापी नहीं गई थी। यह नोट 1911 में लाया गया था। लगातार चल रहे अंडर प्रिंट सीरीज के बाद ब्रिटिश शासकों ने फिर नोट की तस्वीर बदलने का फैसला किया। साल 1923 में उन्होंने जॉर्ज वी की तस्वीर के साथ 10 रुपए का नोट जारी किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से नोट साल 1935 तक छापे गए। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छपना शुरू हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद 5, 10, 50, 100 रुपए के नोट के बाद 500, 1000 और 10,000 रुपए के नोट भी छपने शुरू हुए। इसके अलावा स्वतंत्रता तक जॉर्ज सिक्स की तस्वीर के साथ यह नोट छपते रहे। 1947 से लॉयन सीरीज के नोट की शुरुआत की गई। इस सीरीज के नोट पर अशोक के चतुर्मुख सिंह की तस्वीर को लगाया गया, जिनमें 1 रुपए के नोट से लेकर 100 रुपए तक के सभी नोट शामिल थे। महात्मा गांधी की तस्वीर वाले नोट की शुरुआत साल 1996 में की गई थी। महात्मा गांधी सीरीज के नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से शुरू किए गए थे। यह थी ब्रिटिश करेंसी से लेकर महात्मा गांधी की तस्वीर तक की भारतीय नोट से जुड़े इतिहास की पूरी कहानी। समाचार लाइव पर ऐसी इतिहास से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए समाचार लाइव से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।